आप तमाम लोग जो यहाँ आए हैं और वो तमाम लोग जो भारत के अलग अलग जगहों पे भारत बंग को आज ऑब्जर्व किया है, मैं आप सब लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करना चाहता हूँ, आप सब लोगों को जय भीम भूल जोहार बोलना चाहता हूँ। साथियों, जो हमारे प्रधान सेवक हैं, जिनको आजकल प्राइम टाइम मिनिस्टर भी बोला जाता है, वो 70 साल की बहुत बात करते हैं और बोलते हैं जो 70 साल में नहीं हुआ वो पिछले 4 साल 11 महीने में उन्होंने करके दिखाया। और इस बात से मैं पूरी तरीके से 100% इत्तेफाक रखता हूँ। पिछले 70 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक 8 साल की बच्ची का बलात्कार करके मार दिया जाए और उसके बाद रूलिंग पार्टी के विधायक उस बच्चे के न्याय के लिए नहीं बल्कि बलात्कारियों का संरक्षण करने के लिए तिरंगा लेके रैलियां निकाले। पिछले 70 साल में नहीं था, मोदी है तो ये मुमकिन है। पिछले 70 साल में नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर आके ये बोले कि सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेरेंस किया जा रहा है और लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, मोदी है तो ये भी मुमकिन हुआ कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पिछले 70 साल में इस तरीके का सामाजिक न्याय पे हमला नहीं हुआ। पिछले 70 साल में ऐसा नहीं हुआ कि इसी जंतर मंतर पे जहां मौजूद है उस जंतर मंतर पे कुछ गुंडे आके, कुछ संगी गुंडे आके खुलेआम संविधान को जलाते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गालियां देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। 70 साल में कभी नहीं हुआ था, मोदी है तो यह भी मुमकिन हुआ कि संविधान को इस देश में जलाया गया। और ये सब होने के बाद नरेंद्र मोदी को लगता है